हे एवरीवन, माय नेम इज अभिनव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो अभिनव। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल गजब बेइज्जती है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको रिसेंटली ही अपने एक वीडियो में बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम से अभी के टाइम पे एक कॉमेट पास हो रहा है जिसका नाम है 12P पॉन्स ब्रुक कॉमेट। उससे मेरा क्या फायदा? यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये जो कॉमेट है अभी हमारे अर्थ से काफी ज्यादा क्लोज में आया हुआ है, और जिससे कि हम इसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं या फिर हमारे पास कोई बाइनोकुलर्स है या फिर टेलीस्कोप है उससे भी कैप्चर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कॉमेट को आप अपने स्मार्टफोन से भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एक इंडिया के एस्ट्रो फोटोग्राफर जिनका नाम है स्टार गेजर मिलन, उन्होंने इसे अपने फोन से कैप्चर किया है और यहाँ पे इमेजेस को शेयर किया है। यहाँ पे आप इमेजेस को देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दो डेट्स बताए थे जिसमें कि आप अपने मैनुअल टेलीस्कोप या फिर बाइनोकुलर से उस कॉमेट को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि उस वीडियो को देखकर काफी सारे लोग कॉमेट को नहीं कैप्चर कर पाए होंगे, जिसमें कि एक मैं भी था। और मैं उस कॉमेट को कैप्चर इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने 30 मार्च को ट्राई किया, उस दिन मुझे कॉमेट नहीं मिला। देन मैंने 31 मार्च को ट्राई किया, लेकिन उस दिन शायद मैं लक खराब था कि उस दिन होराइजन के पास थिन लेयर में क्लाउड थे, जिससे कि मुझे हमल स्टार दिख नहीं पाया था और मैं कॉमेट को कैप्चर नहीं कर पाया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अभी भी हमारे पास कॉमेट को कैप्चर करने का चांस है। अच्छा ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से वो 3 डेट्स हैं जिसमें हम कॉमेट को कैप्चर कर सकते हैं, पॉन्स ब्रुक कॉमेट को। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले डेट देख सकते हैं, आज है 7 अप्रैल 2024। और आज हमारे कॉमेट की लोकेशन आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जुपिटर प्लैनेट लाई कर रहा है और इसके जस्ट यहाँ पे हमें अपना 12P पॉन्स ब्रुक कॉमेट देखने को मिल रहा है। और इधर हमें एक अपना एक और स्टार देखने को मिल रहा है जिसका नाम है मेन कार्ड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इस स्टार के जस्ट यहाँ पे हमें अपना कॉमेट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्टार जो है इस कॉमेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है, नहीं तो हम लोग इस स्टार के मदद से भी इस कॉमेट को लोकेट कर पाते। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट डेट निकल के आता है इस कॉमेट को कैप्चर करने का, वो हमारा है 8 अप्रैल। सो जैसे ही मैं यहाँ पे 8 अप्रैल को स्विच करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा कॉमेट मूव हो चुका है, और वो जो है हमारे स्टार क्लस्टर प्लेट्स के काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे आ चुका है। अगर हम लोग प्लेट्स को आसानी से लोकेट कर पाएंगे और उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग देखेंगे तो हमें अपना 12P पॉन्स ब्रुक कॉमेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और अगर आप लोग 8 अप्रैल को भी इस कॉमेट को लोकेट नहीं कर पाए तो अभी चिंता मत करिए, अभी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी, ये सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इस कॉमेट को कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि 60% हम लोग इस कॉमेट को कैप्चर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज मतलब यहाँ पे मैंने डेट स्विच किया 10 अप्रैल, टाइम आप लोग देख सकते हैं 7:13 PM। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो न्यू मून है उसके बाद मून का फर्स्ट फेज यहाँ पे है, ये आप लोग देख सकते हैं मून का फर्स्ट फेज आफ्टर न्यू मून। और इस मून के जस्ट यहाँ पे हमें अपना 12P पॉन्स ब्रुक कॉमेट देखने को मिल रहा है, और ये देखिए कितना ज़्यादा नज़दीक में है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे हमें अपना 12P पॉन्स ब्रुक कॉमेट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग टाइम बढ़ाएंगे तो ये कॉमेट थोड़ा सा और ब्राइट होगा, एक मिनट। यहाँ पे देखिए ये हमारा 12P पॉन्स ब्रुक और यहाँ पे मून। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है 10 अप्रैल को, समझ गए आप लोग। और अगर आप लोग इस तारीख को भी कॉमेट को नहीं लोकेट कर पाए तो आपके पास सिर्फ एक लास्ट चांस बचेगा इस कॉमेट को कैप्चर करने के लिए। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ही हम लोग 10 अप्रैल से आगे बढ़ेंगे 11, 12, अब इस कॉमेट की लोकेशन देखिए बिल्कुल ही हमारे जुपिटर प्लैनेट से स्ट्रेट अलाइन है। यहाँ पे हमारा जुपिटर है और यहाँ पे हमारा कॉमेट है, तो वैसे ही जैसे कि मैंने आपको प्लेट्स में बताया था, अगर हम लोग जुपिटर को लोकेट कर पाएंगे और उसके थोड़ा सा ऐसे नीचे जाएंगे तो हमें अपना पॉन्स ब्रुक कॉमेट इन दो स्टार्स की मदद से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे मैंने वो 3 डेट्स आपको बता दिए जिस दिन आप कॉमेट को कैप्चर कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं काफ़ी इजीली। लेकिन इसके बाद अगर आप लोगों ने ये चांसेस मिस कर दिए तो मुझे नहीं लगता कि एक मैनुअल टेलीस्कोप से उसके बाद आप इस कॉमेट को कैप्चर कर पाइएगा, क्योंकि ये कॉमेट जो है इसका एल्टीट्यूड उसके बाद धीरे धीरे लो हो जाएगा। 16 अप्रैल को इसका एल्टीट्यूड 6 होगा, उसके बाद 17 को और कम होगा, और कम होते होते ये सीधा होराइजन लेवल पे चला जाएगा और हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाएगा। सो फ्रेंड, जितने भी मेरे पास डेट्स थे पॉसिबल विद मैनुअल टेलीस्कोप इस कॉमेट को कैप्चर करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब आपका काम है इस कॉमेट को जाके ऑब्जर्व करिए, फोटोग्राफ करिए। और अगर आप इस कॉमेट को फोटोग्राफ किए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम DM पे भी डाल सकते हैं, मैं उसको पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। सो हम लोग 400 सब्सक्राइबर्स के भी काफी ज्यादा करीब है, तो उसको आप लोग प्लीज जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी आने वाली है।